प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज का वीडियो एपिसोड स्पेशल है, और वो इसलिए क्योंकि आज पहली बार इस चैनल पर रिव्यू होने वाला है एक लेडीज परफ्यूम का। मुझे कई बार रिक्वेस्ट आई इसी चैनल पर कि मैं अपने अंदाज में वुमेन परफ्यूम का रिव्यू करूं। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन लीजिए, पेश है बेला वीटा ऑर्गेनिक का ग्लैम ईडीपी फॉर वुमेन। रिव्यू में हम हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे पैकेजिंग और बॉटल डिजाइन पर, और साथ ही बात करेंगे नोट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, यूजेज, किस एज ग्रुप के लिए सही है और किस सीजन में बेस्ट सूटेड है। आउटर पैकिंग बहुत प्रीमियम है, ये न्यू पैकेजिंग का पार्ट है। पहले की पैकेजिंग से बहुत इंप्रूवमेंट दिखती है। सामने की तरफ व्हाइट बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर से ब्रांड लोगो और बेला वीटा लग्जरी लिखा हुआ मिलता है। बैक साइड पर सबसे पहले आपको बॉटल का डिजाइन, कलर, प्रिंट सब मिलता है। ऊपर परफ्यूम की टैगलाइन अवेलेबल है। बॉटम की तरफ देखें तो इंग्रेडिएंट, सजेस्टेड यूजेज, वार्निंग, मार्केटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय, कंट्री ऑफ ओरिजिन इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और साथ में इसकी प्राइस 999 रुपीज, शेल्फ लाइफ, बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसको आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो 550 से 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। मैंने इसको क्रेट की किलर डील में सिर्फ 200 रुपए में खरीदी। परफ्यूम बॉटल की तरफ नजर डालें तो ये भी न्यू पैकेजिंग का पार्ट है, और पहले की बॉटल इस न्यू डिजाइन के सामने एकदम फीकी लगती है। बॉटल पर बड़ा प्यारा लाइट पिंक शेड का कलर है। सामने की तरफ ब्रांडिंग, परफ्यूम का नाम, परफ्यूम की टाइप, ओदे परफॉर्म और क्वांटिटी 100 ml दे रखी है। नीचे की तरफ बैच नंबर, शेल्फ लाइफ और प्राइस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कैप इसका प्लास्टिक है, लेकिन अच्छी ग्रिप देता है, और प्लास्टिक की कैप ड्यू यूजेज के बाद थोड़ा सा ढीला होना बनता है। एटमाइजर अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा जूस रिलीज करता है, हर स्क्वीज में लीक नहीं करता, और 100 ml की बॉटल में इस एटमाइजर के साथ आपको 800 स्प्रेस मिल जाते हैं। आइए इसकी नोट प्रोफाइल समझते हैं। बहुत डिसेंट हुआ दोस्तों। कंपनी द्वारा दी गई नोट प्रोफाइल में टॉप नोट में आपको अफ्रीकन ऑरेंज, मिड नोट जैस्मिन का, और बेस नोट में व्हाइट हनी, पचुली, रोज और वर्जीनिया सीडर का ब्लेंड मिलता है। परफ्यूम के इनिशियल स्प्रे पर एक माइल्ड, फ्रेश, स्वीट, फ्लोरल फ्रेग्रेंस फील होती है। फ्रेग्रेंस बहुत प्रीमियम है, इसमें सिंथेटिक एलिमेंट्स बिल्कुल भी फील नहीं होते, और इसके ड्राई डाउन पर यह फ्रेग्रेंस फ्लोरल स्वीट बनकर रह जाती है। जैस्मिन का ब्लेंड रोज के साथ और हनी का ब्लेंड जैस्मिन और रोज के साथ इस फ्रेग्रेंस की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ऐसे में परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लोथ और स्किन जिस पर रिकमेंडेड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आराम से 6 से 7 घंटे प्लस की परफॉर्मेंस मिल जाती है। इसको आप फॉर्मल या कैजुअल पर्पसेस दोनों में यूज कर सकती हैं। फॉर्मल में करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये फ्रेग्रेंस बहुत यंग है और इजिली हर एज ग्रुप को पसंद आने वाली है। मैं रिकमेंड करता हूँ एजेस 20 ईयर्स एंड अबव के लिए बहुत सही रहेगी। सीजन की बात करें तो हर सीजन में अच्छी लगेगी, और विंटर्स में और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। इन ऑल बात करें तो फ्रेग्रेंस कमाल की है। इसकी नोट प्रोफाइल इसको बहुत प्रीमियम फील देती है। ये खुद के लिए या गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए एक अच्छी चॉइस है। इसकी माइल्ड फ्लोरल स्वीट फ्रेग्रेंस इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये इसको हर सीजन और हर ओकेजन के लिए पसंदीदा खुशबू बनाती है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। परफ्यूम से रिलेटेड अपने सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये पहला वीडियो है जो कि लेडीज परफ्यूम का है, और आगे और भी ऐसे वीडियोस आएंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और हमेशा की तरह महकते रहें अच्छी खुशबू और अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।